हेलो एंड वेलकम टू पूर्वाज किचन। आज की हमारी रेसिपी है वॉलनट स्पॉन्ज। देखने में ये जितना ही ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बनाने में उतना ही सिंपल है। आइए देखें कैसे। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वॉलनट क्रीम, बेसिक ड्राई केक और चॉकलेट गनाश। इसमें से ड्राई केक और चॉकलेट गनाश की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हम सीधे वॉलनट क्रीम से शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स 2.5 कप क्रीम, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2.5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 1 कप क्रश्ड वॉलनट्स। हमने इसमें घर की बनी क्रीम यूज़ की है। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बस उसकी कंसिस्टेंसी फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्रीम को एक बड़े बोल में ऐड कर लिया। इसके बाद हमने इसको बीट करना शुरू किया। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक बीट किया। उसके बाद इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने पाउडर शुगर डाल दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 5 मिनट तक इसको मिक्स करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी ये आ जाएगी। ये हमारी फाइनल कंसिस्टेंसी है। इसके बाद हम इसमें क्रश्ड वॉलनट्स ऐड करेंगे, जो कि हमें हाफ अमाउंट ऐड करनी है। हाफ हम बाद में गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब इस समय हमें वॉलनट्स को क्रीम में हल्के हाथ से फोल्ड करना है। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है, ताकि क्रीम ओवरबीट ना हो जाए। ये देखिए, हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब हम अपना केक रेडी करते हैं। इसके लिए हमने सर्कल शेप का केक यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी शेप का केक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले केक को सेंटर से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाले पार्ट पे एक मोटी क्रीम की लेयर डाल के उसको बटर नाइफ की हेल्प से पूरे केक पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, पूरे केक पे अच्छे से क्रीम स्प्रेड हो गई है। अब हम इस पे इसका टॉप पार्ट ऊपर रख के इसको सेट कर देंगे। उसके बाद इसको हम बटर नाइफ की हेल्प से साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर लेंगे। अभी हमारा केक रेडी है। इस केक को हम एक ग्रिल के ऊपर रख के नीचे एक प्लेट लगा देंगे और ऊपर से धीरे धीरे चॉकलेट गनाश डालना शुरू करेंगे और उसको फैलाते जाएंगे और चॉकलेट गनाश से पूरे केक को हम कवर कर देंगे। ये देखिए, पूरा केक कवर हो गया। उसके बाद हमने जो वॉलनट्स हाफ अमाउंट रखे थे, उसको हम पूरे केक के ऊपर के सरफेस पे स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, हमारा वॉलनट स्पॉन्ज इतनी आसानी से रेडी हो गया। अब इसको हम फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।